मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? और मेरा पूजा हो गया है आज जल्दी। आज सुबह उठे हैं तो प्रॉपर सब काम हो गया है जल्दी जल्दी। तो अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी 11:30 हो रहा है। तो सोचो कि कुछ आप लोगों से बात कर लूँ। अभी देखो बाल में कंघी भी नहीं किए, देखो मेरा, और फेस पे अभी कुछ भी अप्लाई नहीं किया, बस एक टोनर लगाए हैं और कुछ भी नहीं। आज सुबह में कितने बजे आज उठे हैं? 5:30 में उठे। तो 5:30 में उठे हैं तो फिर पहले सबसे पहले गर्म पानी पिए हैं, उसके बाद चाय पिए हैं। चाय पीने के बाद पूरे घर में झाड़ू लगाए हैं, उसके बाद पोछा लगाए हैं। पोछा हम डेली लगाते नहीं हैं, वीक में एक ही दिन लगाते हैं जब भी टाइम मिलता है, चूँकि डेली पॉसिबल नहीं है। अब बहुत ज़्यादा काम हो जाता है तो इसलिए नहीं लगाते हैं। आज कपड़ा भी था तो कपड़ा भी क्लीन हो गया। आज सुबह में उठने से होता है क्या ना कि जो भी काम रहता है वो टाइम से हो जाता है और अच्छे से हो जाता है काम सब। देखो अभी 11:30 हुआ नहीं तो हमको तो ऐसे 1-2 बज जाता है काम करते करते। क्लीनिंग करो पूरा घर का, फिर डेली पोछा तो नहीं बट झाड़ू तो लगाना ही है पूरे घर में सब वो, फिर कपड़ा हो जाता है सब धोना। देखो बाल भी हंसना है तो भींग गया है पूरा। तो थोड़ी देर बाद हम रेडी होंगे, अभी नहीं, अभी सोचे कि ऐसे ही आपसे बात कर लूँ कुछ। तो आज है सैटरडे और आज सैटरडे को सैटरडे हम बनाते हैं खिचड़ी। घर में खिचड़ी ही बनता है और सबसे अच्छा खाना रहता है, उसमें कुछ मेहनत नहीं रहता है और मसाला भी नहीं रहता है, एकदम सिंपल सिंपल। वीक में एक दिन तो बिना मसाला का खाना खाना ही चाहिए क्योंकि वो पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो हम लोग ऐसा ही करते हैं। हम ऐसे भी मसाला बहुत सोचते हैं कि कम ही रखें बट लेकिन आदत है ना ज़्यादा, तो वो रखते रखते रखा ही जाता है ज़्यादा ही मसाला। और मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं उसको, पेट का प्रॉब्लम हो जाता है ज़्यादा मसाला से ना, उनको तो पेट में गैस बढ़ने लगता है, तो इसीलिए कम ही रखते हैं। लेकिन फिर भी हमसे हो ही जाता है, ज़्यादा हो ही जाता है, रखा जाता है मसाला। तो आज है तो आज सैटरडे तो आज खिचड़ी ही बनना है। बुआ मेरा खिचड़ी खा रहा है वो दिखाते हैं, वो खाना खा रहा है, खाना खा के टीवी देखेगा तभी खाना खाएगा, ऐसे खाना नहीं खाता है। ये बुआ अच्छा, इसका फेस देखकर बताइए किसकी तरह दिखता है ये? ये मेरी तरह दिखता है या अपने डैडी की तरह दिखता है? प्लीज कमेंट करके बताइए। कपड़ा सब था तो बाहर का कपड़ा आधा सूख गया है, तो सूखा हुआ कपड़ा सब उतार लिए हैं। और जो कपड़ा कपड़ा सब बचा हुआ है उसको रख दिए हैं बाहर सूखने के लिए, ऐसा ना कि भीनी भीनी सा स्मेल कपड़ा में आ जाता है रखने से। कल का कपड़ा वैसे ही पड़ा हुआ था तो आज सुबह में डाले हैं बाहर जाकर, और हल्का तो धूप उसमें लग गया है तो उसको रख दिए हैं अंदर, और जो बचा हुआ उसको ला के रख दिए हैं। तो चलो अब खाना वाना खा लेते हैं। मेरे हस्बैंड आया नहीं, उनको कॉल किए तो बोले कि ठीक है आ रहे हैं, तब साथ में ही खाना खाएंगे, तब तक कुछ घर का जो बचा हुआ है काम कर लेते हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद हमसे तो कुछ होता नहीं है, बस खाना खाएंगे और रेस्ट करेंगे। तो फिर मिलते हैं बाद में, बाय बाय। हे गाइस, तो अभी हम शाही पनीर बनाए हैं, ये रहा मेरा शाही पनीर। अभी जस्ट बनाए हैं थोड़ी देर पहले। Thank you.
शाही पनीर बनाई, बहुत दिन हो गया बनाए हुए। एक दिन लाए थे शाही पनीर का पैकेट, बट वो रेडीमेड टूटा है नहीं, पैकेट खोलो और इजीली बना लो, तो वही था, तो वो अच्छा नहीं लगा था। एक बार फर्स्ट टाइम लाए थे, बोले थे ट्राई कीजिए कैसा है, तो फिर लाएंगे अच्छा लगे, बट वो हम लोग को अच्छा नहीं लगा, तो इसीलिए आज पनीर लाए हैं। ऐसे तो हम शाही पनीर बना लेते हैं, तो उस दिन लाए थे तो उस दिन का उतना अच्छा नहीं हम लोग को लगा था, तो आज बनाए हैं, तो आपको तो देखे ही होंगे आप लोग की शाही पनीर बनाए हैं आज। बुआ को भी जस्ट खाना दे दिए, वो खाना खा लिए है, पेट मेरा देखो कैसे पूरा बिखरा पड़ा है। आज सुबह में उठे थे, आपको पता ही है सुबह में उठे तो जल्दी जल्दी सब काम हो गया, सब काम हो गया, तो थोड़ी देर सो गए हैं, एक घंटा सो गए हैं, सो कर उठे हैं, तो फिर सर आए, तो सर के लिए चाय बनाए हैं, तो उसके बाद हम पिए, मेरे हस्बैंड पिए हैं, थोड़ी देर फ़ोन देखे हैं, और उसके बाद क्या किए हैं, हाँ उसके बाद फिर किचन में गए हैं, किचन का काम सब किए, किचन का काम सब ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो किचन का सब काम किए हैं, तो फिर आज सुबह उठने का ना ढेर सारा फ़ायदा होता है कि आपका काम भी जल्दी जल्दी हो जाएगा। ऐसे होता क्या ना कि जब बस क्लीनिंग ही हो पाता है, और एक्स्ट्रा जो काम होता है वो किचन का जो डब्बा वब्बा रहता है वो भी तो गंदा ही हो जाता है, उसको सबको क्लीन करना रहता है, तो वो सब ऐसा ही पड़ा रहता है, उनको इतना सारा कपड़ा सब ट्रंक पे पड़ा हुआ, उस सबको भी फोल्ड करके स्टैंड पे रखना है, स्टैंड पे इसका ना कपड़ा क्या है ना कि हमेशा इसको सेट करेंगे फिर से गिर जाता है कपड़ा, इसके साथ अच्छे से सेट करके रखो फिर से गिर जाएगा, ये चिकना वाला है ना स्टैंड इसलिए गिर जाता है, इसका सारा स्लिप भी वो जो क्या होता है लकड़ी का जो आता है उससे नहीं गिरता है, इसलिए तो बार बार इसको सेट करना पड़ता है, साड़ी तो इस पर टिकता ही नहीं, साड़ी रखो तो स्लिप होकर नीचे गिर जाती है। और कैसे हैं आप लोग, और आज मैं कैसे, आज कुछ भी नहीं लगाए हैं, और आज बताया, आज लिपस्टिक नहीं लगाए हैं, आज एकदम से ही नहीं लगाया, कुछ भी मेकअप नहीं किया, बस एक मॉइस्चराइजर लगाया और दो पोन ही बना रखे, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी, तो अब बन बना लिए हैं, अब तो तीज आ रही है, तो तीज का प्रिपरेशन करना होगा, तो हम तीज कैसे मनाते हैं, तीज से पहले रक्षाबंधन है यार, रक्षाबंधन आ रहा है, तो रक्षाबंधन में मेरा भैया आएगा, भाभी आएंगी, वो सब, तो मैं आपको दिखाऊंगी अपनी फैमिली से, मिलाऊंगी आपको कि कैसी मेरी फैमिली है, तो आप लोग देखने को आप लोग को मिलेगा, हाँ ये मेरे भैया भाभी, मेरा छोटा वाला भतीजा बहुत बदमाशी करता है यार, बहुत ज़्यादा शैतान है, उसके पास ना हर एक बात का जवाब रहता है, जो भी आप पूछो वो तुरंत से बता देगा, फिर भी आप सोचो हैं इसको कैसे आता है ये सब, बहुत स्मार्ट है बहुत ज़्यादा, मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और क्या बोलूँ यार, आपको यूट्यूब पे ना अच्छा लगता है वीडियोस बनाना सबके साथ, छोटी छोटी बातें, छोटी लाइफ, हम लोग का तो ज़्यादा बड़ा लाइफ नहीं है, छोटी लाइफ है, छोटी सी ज़िंदगी है, उसी में जो छोटी छोटी खुशियाँ होती है उसी को अच्छा लगता है शेयर करना, दिखाओ ज़्यादा कुछ नहीं, जो है उसी में खुश रहना सीखो, हैप्पी रहो, ऐसे तो हम हैप्पी रहते नहीं हैं, बट कोशिश ट्राई करते हैं कि हैप्पी रहो, और क्या लाइफ यही है, आज है कल हो ना हो क्या पता, इसलिए भी हैप्पी हमेशा खुश रहो, और अच्छी अच्छी बातें सोचा करो, अच्छी अच्छी बातें आप सोचो कि अच्छा अच्छा सब, पता है मेरा पहले टाइम स्पेंड नहीं होता था, पढ़ाई था, तो पढ़ाई में तो होता ही ना, घर का काम है, बउआ है उसका भी पढ़ाई है, तो नहीं बन पाता, हम अपना पढ़ाई छोड़ चुके, हम भी पढ़ते थे, कंपटीशन का तैयारी करते थे, बट पढ़ाई ना नहीं हो पाता, तो पढ़ाई के लिए उसके लिए आपको टाइम चाहिए, दो घंटा तो होगा ही नहीं, 4 घंटा प्रॉपर आपको पढ़ाई के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा आपको, हर चीज़ नोट्स बनाने पड़ेंगे, अब इतना ज़्यादा सबका काम करना है, पढ़ाई करना,
एंटर नहीं हुआ था तो हम छोड़ दिए ये पढ़ाई कंपटीशन और लाभ छोड़ दिए। तब सोचे कि क्या करें, घर में मन नहीं लग रहा था, सोचे कि क्यों ना यूट्यूब पे ही छोटी 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 वीडियोस डाल के अपना कुछ आप लोग के साथ शेयर करें, छोटी छोटी बातें। बस यही सोच कर यूट्यूब पर चैनल बनाया और वो भी चैनल बनाकर अपने हस्बैंड से पूछ के भी बनाया कि मतलब यूट्यूब तो ऑब्वियसली बात है कि सब कोई ही देखता है यूट्यूब, तो अपने हस्बैंड से पूछ लिए, वो भी मना नहीं किए कि नहीं हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बनाइए कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए हम यूट्यूब पे आए तो सोचे चलो थोड़ी थोड़ी बात, तो आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है, चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब में बैलेंस नहीं रहता है तो बिल्कुल फ्री सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब कर सकते हो, किसी की भी चैनल हो, मेरा हो, एनीबॉडी, पैसा नहीं लगता है, तो आप सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबाइए, आप प्रेस कीजिएगा, बेल बटन प्रेस करने से मेरा जो भी नए नए वीडियोस उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो हम बड़े शहर से नहीं, हम बिहार से हैं, बिहार हाजीपुर की रहने वाली है, छोटा सा शहर, ज़्यादा बड़ा शहर है नहीं, यहीं पे रहते हैं। और यहाँ पे जो हम बाहर नहीं जाते नहीं, यहाँ हाउस वाइफ है, घर में ही रहते हैं, घर में रहते हैं। और हाउस वाइफ का भी होता है ना कि बाहर जाकर काम करो, ये मेरा वो भी नहीं, बस घर में ही पड़ी रहो, कुछ मत, घर का जो काम है बस वो करो और कुछ नहीं, बस बाहर का जितना भी काम होता है सब काम मेरे घर रहते हैं, सब चीज़ से लेकर एनीथिंग, बस एक कपड़ा ही लेना होता है तो शॉपिंग करना होता है तो ही हम जाते हैं, फिर मेरा कुछ सामान हो तभी जाते हैं, तो ऐसे नहीं जाते हैं, बुआ कभी जो भी कुछ लाना रहता है तो मेरे हस्बैंड ही लाते हैं। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर प्रेस कीजिए।